पता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात, हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। फिरोजाबाद के सिरसागंज विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों ने क्षेत्र में प्रचार के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। इसी क्रम में मंगलवार को बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नगला भूपाल, असवाई, नगला राधे, धर्मई, कबीरपुर, भदेसरा, नगला शिव सिंह सहित 25 गांव में समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया। वहीं उन्होंने कहा कि मेरे जीतने के 101 दिन बाद कोई भी गौवंश आवारा घूमता हुआ नजर नहीं आएगा, किसी किसान के खेत का नुकसान नहीं करेगा, तथा आगे कहा कि क्षेत्र में 1001 गौवंश की क्षमता के अनुरूप गौशालाओं का निर्माण कराया जाएगा तथा गरीब कन्याओं की शादी के लिए कन्यादान किया जाएगा। आज जो उत्तर प्रदेश में वक्त का तकाजा ये है कि सब समाज के लोग बसपा को वोट करने जा रहे, ताकि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर जो बहन जी का देखा है लोगों ने, संसद से लेकर बाहर तक बड़ा शांत प्रता, सब समाज का सम्मान था, बेटियां सुरक्षित थी, शिक्षा स्वास्थ्य पर बहन जी ने बहुत अच्छा ध्यान दिया, अच्छा प्रशासन चलाया। आज और इससे पूर्व बाद में जो सरकार अखिलेश जी की आई या योगी जी की है, इसमें एक पार्टी तो सपा गुंडों को पैदा करती है, बढ़ावा देती, लुटवाती, पिटवाती है, तो ये भी पार्टी बीजेपी गुंडों को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रही है। क्षेत्र से जल की समस्या का समाधान होगा 6 महीने के अंदर, और अभी जो सबसे बड़ी समस्या चल रही है किसान भाइयों की, गाय और नंदी बाबा की, 101 दिन के अंदर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी गाय और नंदी बाबा किसी भी किसान भाई का नुकसान करते हुए आपको नहीं दिखेंगे, क्योंकि उनके लिए 1000 कैपेसिटी की गौशाला का निर्माण करा के दूंगा 101 दिन के अंदर। और जो ग्रामीण क्षेत्र में भाई गौशाला खोलना चाहें, जिस तरीके से गरीब कन्याओं का कन्यादान आप सबके सहयोग से, आप सबसे चंदा चट्टा करके किया है, उसी तरीके से चंदा चट्टा करके जो किसान भाई गाय को पालेगा उसको 60 रुपये के हिसाब से दिलवाया जाएगा, लेकिन कम से कम 25 गाय होनी चाहिए। और जो अभी तक कन्यादान का सिलसिला चल रहा था, कोविड की वजह से परमिशन ना मिलने के कारण अब वो सिंगल सिंगल करके जो आवेदक होगा, जिसकी बेटी की शादी होगी उसी के घर पे, उसी के मोहल्ले में, उसी के गांव में जाके वहीं पे की जाएगी। अगर कोई और भी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा गरीब भाई होगा, उसके बाद घर भी नहीं होगा, तो उसी गांव में टेंट लगा के उसके कन्यादान की व्यवस्था की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर।